गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने नीप एंड पोयम पीप पोयम देखे, अभी हम उसका एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी रीड। आंसर द क्वेश्चंस विथ यस दे शी डिड, नो दे शी डिडंट इन योर नोटबुक। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, मतलब एक पहला जो है वो आपके लिए किया हुआ है। तो पहला देखेंगे, डिड द पपीज ड्रिंक अप ऑल द मिल्क, पपीज ने सारा मिल्क पिए। इसका आंसर है नो दे डिडंट, मींस नहीं, उन्होंने दूध नहीं पिए। अभी सेकंड देखते हैं, डिड मिस फ्लिप टिप द बॉल ओवर, डिड मिस फ्लिप टिप द बॉल ओवर, यस शी डिड, मतलब मिस फ्लिप ने बाउल को छुआ था। नंबर थ्री, डिड मिस फ्लिप ट्रिप ऑन द मिल्क, डिड मिस फ्लिप ट्रिप ऑन द मिल्क, इसका आंसर है यस शी डिड। नंबर फोर, डिड मिस फ्लिप स्लिप ऑन द स्पिल्ड मिल्क, मतलब मिस फ्लिप स्लिप हुई थी, फिसल गई थी, यस शी डिड। नंबर फाइव, डिड मिस फ्लिप पिक अप हर रोलिंग पिन, मिस फ्लिप ने उनका रोलिंग पिन मतलब बेलन उठाया था, यस शी डिड। नंबर सिक्स, डिड मिस फ्लिप हिट द पपीज विद द रोलिंग पिन, पपीज को रोलिंग पिन से उन्होंने मारे थे, नो शी डिडंट, नहीं मारे थे। नंबर सेवन, डिड द पपीज हाइड बिहाइंड द बिन, वो डस्टबिन के पीछे छुपे थे, नो दे डिडंट। डिड मिस फ्लिप हिट द पपीज विद हर वॉकिंग स्टिक, मिस फ्लिप ने पपीज को वॉकिंग स्टिक से मारे थे, नो शी डिडंट। नाइन नंबर, डिड द पपीज कम एंड लिक मिस फ्लिप्स हैंड, पपीज ने आकर मिस फ्लिप्स के हाथ चाटे थे, यस दे डिड। नंबर टेन, डिड मिस फ्लिप लव द पपीज, मतलब मिस फ्लिप पपीज को प्यार करती थी, इसका आंसर है यस शी डिड। तो आपको भी पेंसिल से ऐसे इसके सामने लिखना है। ओके, अभी हम देखेंगे नंबर बी, टिक राइट द बेस्ट आंसर, मतलब जो आंसर सही है उसको हमें राइट करना है। नंबर वन, द मिल्क ड्रिप्ड ऑन द फ्लोर, व्हाट डिड द पपीज डू, जब मिल्क फ्लोर पे गिरा तो पपीज ने क्या किए, इसका आंसर है ऑप्शन बी, दे स्किप्ड आउट ऑफ द रूम, बी को राइट कीजिए। नंबर टू, व्हाई डिड द पपीज हाइड बिहाइंड द ब्रिक, पपीज ब्रिक के पीछे क्यों छुपे, इसका आंसर है ऑप्शन ए, दे थॉट मिस फ्लिप वुड हिट देम। नंबर थ्री, व्हाई डिड द पपीज लिक मिस फ्लिप्स हैंड, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, दे वेयर सॉरी फॉर व्हाट दे हैड डन। नंबर फोर, व्हाट इज अनदर वर्ड फॉर डिन, डिन के लिए दूसरा शब्द क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, अ लाउड नॉइज। अभी हम देखेंगे स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी। देयर आर अ लॉट ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, दे हैव द शॉर्ट आई sound as in the words dip and lip, read the words given below, put a circle around the words that do not rhyme with the other words in the line, मतलब एक वर्ड ऐसा है जो सारे राइमिंग वर्ड से मैच नहीं हो रहा है, उसे हमें राउंड करना है पेंसिल से। ठीक है, नंबर वन, nip tip clip rip and ripe, देखो इसका साउंड भी अलग आ रहा है, राइप, तो हमें राइप को पेंसिल से राउंड करना है। नंबर टू, फ्लिप वाइप ट्रिप स्किप एंड स्लिप, सब में कौन सा अलग लग रहा है हमें, डब्ल्यू आई पी वाइप, तो वाइप को राउंड करेंगे। नंबर थ्री, पाइन पिन स्पिन बिन डिन, पी आई यानी पाइन, इसका साउंड हमें सबसे अलग लग रहा है, तो हम इसे पेंसिल से राउंड करेंगे। नंबर फोर, ब्रिक ट्रिक लाइक स्टिक एंड लिक, किसका साउंड अलग लगा हमें, ए लाइक ए लाइक का, तो लाइक को हम राउंड करेंगे।
पेज टर्न करेंगे, अब देखते हैं ऑप्शन बी. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, राइट द करेक्ट नेम्स इन द ब्लैंक्स. ये नीचे पिक्चर दिए हुए हैं और इनसे कौन से शब्द जुड़ते हैं वो हमें देखना है. ठीक है, जैसे पहला चित्र कौन सा है बेटा, पहला पिक्चर डस्टबिन का है ना, डस्टबिन. तो डस्टबिन यहाँ सबकी स्पेलिंग लिखी हुई है डस्टबिन. जैसे ये डस्टबिन, तो हमें यहाँ डस्टबिन की स्पेलिंग लिखना है. आफ्टर दैट ये कौन सा पिक्चर है, पपीज का. पपीज, तो पपीज की हम स्पेलिंग यहाँ ढूंढेंगे. ये देखो PUPPIES पपीज, यहाँ हम पपीज लिखेंगे. ओके, उसके बाद है ये स्टिक दिख रही है हमें, कौन सी स्टिक है ये, वॉकिंग स्टिक. वॉकिंग स्टिक हम यहाँ ढूंढेंगे. वॉकिंग स्टिक ढूंढ लिए, यहाँ आपको लिखना है. उसके बाद ये कौन सा है पिक्चर, ब्रिक. हाँ, तो ब्रिक देखेंगे हम, ये है ब्रिक, BRIC के ब्रिक यहाँ लिख लेंगे. उसके बाद है बाउल यानी कटोरा, इसकी स्पेलिंग हमें ढूंढना है, BOWL बाउल, अब यहाँ हम लिख लेंगे. और सबसे लास्ट में पिक्चर है रोलिंग पिन, मतलब बेलन है ना, तो रोलिंग पिन, ये रोलिंग पिन अभी हम यहाँ लिख लेंगे. ठीक है, इस तरह आपको भी पेंसिल से सब बुक में ये लिखना है. इसके नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे लर्निंग ग्रामर. ओके, टिल देन बाय बाय.